प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, अभी तक अगर आप हमारे चैनल MRS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का और भी आपको वीडियोस आने वाले समय में मिल सके। तो यहां पे मैं आपको 2020 का जो पेपर है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं कराने वाला हूं। ये AKU का पेपर जो था, वो आपको पता है कि AKU से हटकर अब जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है कर दिया गया है। तो अब आप लोगों का पेपर देखिए, जैसे पहले होता था अगर उसके अनुसार हो तो अभी जो है नए जो सेशन आएंगे, यानी जो 2023 का जो सेशंस आएंगे अब है ना, उन लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपका बिहार इंजीनियरिंग से होगा, यानी जो फर्स्ट। तो यहाँ पे अब देखिए किस कैसे आता है क्वेश्चंस, इस बार क्या आता है वो तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, बट 2020 में कैसा क्वेश्चन आता था वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उसका आंसर्स भी मैं बताऊँगा। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएंगे उसे मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगा, ताकि बाद में मैं उसे पढ़कर समझकर और अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर सकूं। ऐसे इसका जो रिक्वेस्ट है कई सारे लोगों का आ रहा था, बट खासकर कल एक स्टूडेंट थी जिनका जो है मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप पे आया। मुझे नाम तो नहीं पता क्योंकि उन्होंने नाम बताया नहीं और मैंने भी नाम पूछा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर बोला गया, तो मैंने उनको बोला कि पहला पार्ट जो है आज आ जाएगा, इसलिए जो है इस चीज़ को मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है कि व्हाट इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब इफ़ एक्सटर्नल डायमीटर इज 75 mm एंड एरिया रेशियो ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब इज 20%। तो देखो, एरिया रेशियो इज इक्वल टू होता है D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पे D1 जो है हमें निकालना है, क्योंकि D2 जो है ये एक्सटर्नल डायमीटर है और D1 जो है इंटरनल डायमीटर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और D1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 68.46 आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 68.5 mm आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ परक्यूजन ड्रिलिंग। परक्यूजन ड्रिलिंग का मेन एडवांटेज क्या है? तो ये हर तरीके के टाइप ऑफ सॉइल और रॉक में यूज किए जाते हैं। हियर देयर इज मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल, सॉइल में मिनिमम डिस्टर्बेंस होता है, और इट इज इकोनॉमिकल फॉर एडवांसिंग बोरिंग। एडवांसिंग बोरिंग के लिए इकोनॉमिकल होता है, नॉर्मल के लिए ये नहीं होता है, ऑफ डायमीटर लेस देन 100 mm के लिए। तो यहाँ पे तीनों जो है हमारा सही है। यहाँ पे है आपका स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन इज सुटेबल फॉर, तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन जो है ये सुटेबल होता है क्ले के लिए, फाइन सैंड के लिए और सिल्ट के लिए, तीनों के लिए जो है क्या होता है, सुटेबल होता है। जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है स्क्वायर फुटिंग का ऑन सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले के सरफेस पे हैविंग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो उस कंडीशन में, इसमें जो है स्किम्पटन्स इक्वेशंस जो है लगाने हैं, तो QU इज इक्वल टू CNC होता है। देखो, सिग्मा इज इक्वल टू UCS, यानी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है दिया गया 50 kN/m². तो CU जो है हमें निकालना है ना, कोहेसिव जो है, कोहेजन जो है निकालना है, तो कोहेजन के लिए सिग्मा बार 2 करते हैं तो 50/2 इज इक्वल टू 25 kN/m². सो QU यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 25 × 6, क्योंकि NC का वैल्यू अगर डेप्थ बाई विर्थ का जो रेशियो है वो 0 हो जाए, है ना, डेप्थ बाई विर्थ का रेशियो जो है 0 हो जाए तो उस कंडीशन में NC का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। कैसा के लिए? तो स्ट्रिप फुटिंग के अलावा जो भी आएगा उसके लिए, तो 6 होगा। तो 25 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 kN/m², जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, D में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कि एज़ पर IS 904 1986 के अनुसार जो मिनिमम डेप्थ होगा फाउंडेशन का वो क्या होगा। तो देखो IS कोड के अनुसार 50 सेंटीमीटर होता है, वही अगर मीटर में बात किया जाए तो 0.5 मीटर आ जाएगा, है ना। स्टील पाइल्स इज मेनली इंटेंडेड टू कैरी, स्टील पाइल को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है हैवी लोड को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। बॉक्स कैजन क्या होता है, बॉक्स कैजन जो है ये आपका टॉप में तो ओपन रहता है लेकिन बॉटम में क्या होता है, क्लोज रहता है, जो बॉक्स कैजन होता है, ठीक है। इसी के उल्टा अगर बात किया जाए परक्यूजन कॉशन की, तो वो जो है टॉप में बंद होता है और नीचे में खुला रहता है। अगला है द सीटेड लोड अप्लाइड ऑन द प्लेट टेस्ट या टेस्ट प्लेट पे इन प्लेट लोड टेस्ट, है ना, प्लेट लोड टेस्ट में बिफोर अप्लाइड द एक्चुअल लोड, एक्चुअल लोड अप्लाई करने से पहले, तो कितना होगा 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो डियर, इस रिलेशन्स के बारे में मैंने ज़्यादा देखा नहीं, है ना, और तो इसको मैं बाद में सर्च करके आपको बता दूंगा कि क्या आंसर होगा, बट अगर आपको आता हो तो आप इसके जो है बना सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 में जो है साथ ही बनाना रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस आपसे बन ही जाए, है ना, कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए जब कोई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से साथ ही बनाना रहता है। तो मैंने यहाँ पे 8 तो बना ही दिया, ये 9वां छूट गया, 10वां भी मैं आपको बता दूंगा कि उसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइल फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड टू, तो पाइल फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कैरिंग लोड रजिस्ट हॉरिजॉन्टल एंड अपलिफ्ट फोर्सेस कॉम्पैक्ट एंड लूज कोहेजियन लेस डिपोजिट सोयल, जो भी होगा, तो ये तीनों जो है हमारा क्या है, यानी ऑल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोयल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, सोयल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का क्या पर्पस होता है और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं ताकि सोयल इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकें। तो देखो भाई, नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ तो बहुत चीज़ हैं, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वन बाई वन भी समझा दूंगा, बट नॉर्मली देखो इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि जब भी सोयल पे कोई स्ट्रक्चर्स बनाए तो उसमें सेफ्टी का हम लोग ध्यान रखें, हम लोग जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो सेफ रहे। मान लो कि सोयल ज़्यादा कंप्रेसिबल है तो उसके अनुसार ही हम लोग फाउंडेशन डालें, हमारा सोयल जो है सैचुरेटेड रहे, स्ट्रेंथ अच्छा रहे, बियरिंग कैपेसिटी जो है बेटर होना चाहिए ताकि वो बियर कर सके स्ट्रक्चर्स के लोड को। तो इसीलिए ना करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल ना हो, जो वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे अगर फेल होता है तो वर्कर्स को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो इसीलिए हम लोग जो है सोयल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कई सारे पर्पस है सोयल इन्वेस्टिगेशन के। पहला पर्पस है डू डिटरमाइन द बेसिक प्रॉपर्टीज़, जो भी सोयल का बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसको डिटरमाइन करना ताकि हमारा डिज़ाइन और जो सेफ्टी है स्ट्रक्चर्स का वो अफेक्ट ना हो, या अगर हो रहा है तो उसको रिड्यूस किया जाए, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेंथ, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस, है ना, आपको बियरिंग कैपेसिटी भी आप यहाँ पे ले कर चल सकते हो, ठीक है। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरीके का मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, जिस तरीके का भी सोयल कंडीशन मिला उसको। टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का कंडीशन चेक करने के लिए। टू अनालाइज द काउज ऑफ फेलुअर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, जो भी पहले से काम वहाँ पे हुआ हो उसका फेल होने का क्या कारण है, इनको जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, अनालाइज किए जाते हैं। बात किया जाए कौन कौन से स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशंस के, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है डेस्क स्टडी। डेस्क स्टडी में क्या करते हैं, जो पहले से इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी साइट के बारे में अवेलेबल है
है ना, उसका एरिया कितना है, उसका जियोलॉजिकल मैप्स क्या है, टोपोग्राफिकल मैप क्या है, सॉयल सर्वेइंग रिपोर्ट पहले से क्या है, हिस्टोरिकल डाटा क्या है, इन सभी को जो है हम लोग जो पहले से हमें हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं उसको जो है एनालाइज करते हैं, उसको जो है देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज है हमारा साइट रिकोनेसेंस। साइट रिकोनेसेंस में क्या होता है कि हम लोग जो है जब जो पहले से हमें डाटा मिला हुआ था उसको इन अनुसार पढ़ लिए, समझ लिए, अब उसके बाद जो है हम लोग साइट पे विजिट करने जाते हैं और विजुअल इंस्पेक्शंस करते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, है ना, और उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो वही कहलाता है साइट रिकोनेसेंस। जो साइट रिकोनेसेंस स्टेज है इसमें जो है हम लोग यूज करते हैं जियो फिजिकल टेक्निक को टू आइडेंटिफाई सब सरफेस फीचर्स को। उसके बाद आता है सॉयल सैम्पलिंग, जब साइट पे गए है ना, साइट को अच्छे तरीके से देखे तो साइट से हम लोग क्या कर लिए, सॉयल का कुछ सैंपल उठाकर ले आए। अब सैंपल लाने का कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो जो भी तरीका से आप सॉयल का सैंपल ला रहे हैं, हो सकता है कि अलग अलग तरीके से आप जो है सॉयल का सैंपल लेकर आए। सॉयल का सैंपल लेकर आने के बाद आप क्या किए, उसका प्रॉपर्टीज़ को फिर से चेक किए, लैब में उसको टेस्ट करने के लिए भेज दिए। जब लैब में टेस्ट करने के लिए भेजे तो अगला स्टेज है हमारा लैब टेस्टिंग, है ना। तो लैब में टेस्ट करने के लिए जब भेजे तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है हमें निकलती है, लैब से कई सारे रिजल्ट जो है हमें निकलते हैं। तो जब रिजल्ट निकलते हैं तो उसी को कहा जाता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो पहले से हमें डाटा मिला हुआ था और जो लैब टेस्ट से हमें जो डाटा मिला है ना, इन दोनों डाटा को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों डाटा जो पहले से डाटा हमारे पास अवेलेबल थे किसी साइट के बारे में, क्या अब भी जो डाटा आ रही है, जो जब हम लोग साइट रिकोनेसेंस किए उस समय भी जो डाटा आ रहा था, क्या दोनों डाटा सेम है, क्या दोनों वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अनुसार ही जो है हम लोग बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करने हैं वो तो करेंगे। बट अगर मान लो कि दोनों में चेंजेस आ रहे हैं तो फिर जो है हमारा जो पहले से सोचे थे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत जो है मॉडिफिकेशन हम लोगों को जो है करनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन जो है करना पड़ेगा। तो ये जो है स्टेजेस हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं जो कि आपको जो है अपनाने हैं, ठीक है। इतने स्टेजेस जो है आपको क्या करने हैं, अपनाने हैं, ओके। तो डियर, अभी तक आप अगर MRS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो है और भी क्वेश्चंस का, सवालों का जवाब आपको जो है मिल सके। क्योंकि डियर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज तो बनता ही है कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करके रखें। क्योंकि डियर आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियोस को, तो हमें जो है एक मोटिवेशंस मिलता है और हमें पता चलता है कि इतने लोग हमें जो है पसंद कर रहे हैं, और आप लोगों के पसंद से जो है हमें क्या मिलता है, हमारे अंदर एक इनर मोटिवेशन जो है जागता है कि नहीं, आप लोगों के प्रति और मेहनत हमें करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो, और इसमें कोई ज़्यादा आपको जो चार्ज देना नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये पेड क्लासेस आपको जो है कर रहे हैं कि नहीं हम क्यों लाइक करेंगे, हम तो पैसा पे किए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशंस मिलेगा, तो आपको और बेटर और अच्छे कंटेंट आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एन, है ना, एन वैल्यू ऑफ एस पी टी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में एन का जो वैल्यू है ये क्या है, और एक्सप्लेन करना है करेक्शन टू बी अप्लाइड टू द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एन, है ना, एन के लिए कौन कौन से करेक्शंस को जो है अप्लाई करते हैं उसके बारे में जो है एक्सप्लेन करना है। तो देखो SPT टेस्ट में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ स्प्लिट स्पून सैंपलर विद स्टैंडर्ड वेट एंड डायमेंशन इनटू द सॉइल टू अ स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm तक, 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm तक जो स्टैंडर्ड डेप्थ तक जो सॉइल में पेनिट्रेशन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लो जो है हैमर के द्वारा लगाए गए हैं,
है ना, वो जो है उसी को जो है कहा जाता है इन वैल्यूज इन एसपीटी या ऑफ एसपीटी। इसमें ऐसे मेजर किया जाता है 450 mm तक, लेकिन इसमें जो फर्स्ट 150 mm होता है इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। नहीं कंसीडर करने का कारण होता है कि 150 mm तक सेल्फ वेट के कारण से जो है पेनिट्रेशन करवाया जाता है। उसके बाद के जो है 300 mm तक क्या किया जाता है, हम लोग ब्लोइंग करते हैं हैमरिंग की मदद से और इसको जो है पेनिट्रेट करवाते हैं। द एन वैल्यू प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ सॉयल्स रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन एंड इट इज यूज टू एस्टिमेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉयल कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेंथ। इन चीजों को एस्टिमेट करने के लिए जो है एन वैल्यू को जो है यूज किए जाते हैं। जो करेक्शन फैक्टर्स हैं डैट नीड्स टू अप्लाई टू द ऑब्जर्व्ड एन वैल्यूज डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ सॉयल, टेस्ट डेप्थ ऑफ टेस्टिंग, वेट ऑफ हैमर, लेंथ ऑफ ड्रिलिंग रॉड एंड कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, इन चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। जो करेक्शन फैक्टर्स है वो डिटरमाइन कर किया जाता है बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एन वैल्यूज विद द रिस विद द थियोरेटिकल एन वैल्यूज ऑफ बेस्ड ऑन द सॉयल्स प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट कंडीशन। बट मेनली जो ऑब्जर्व करते हैं एन वैल्यू में जो करेक्शंस यूज करते हैं वो होता है ओवरवर्डन प्रेशर करेक्शंस या ओवरवर्डन करेक्शंस और वाटर टेबल करेक्शन। ओके, तो ओवरवर्डन करेक्शन या ओवरवर्डन प्रेशर करेक्शंस में क्या होता है कि इस तरीके का जो करेक्शंस होता है वो मेनली कोहेजन लेस सॉइल के लिए होते हैं या ग्रेनुलर सॉइल के लिए होता है। इट इज़ ऑब्जर्व डैट, ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन इंक्रीजिंग पाथ है ना, या इफेक्टिव ओवरवर्डन प्रेशर कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू हायर प्रेशर एट द लार्ज डेप्थ एसपीटी नंबर इज है ना। अगर लार्ज डेप्थ तक कन्फाइनिंग प्रेशर जो है हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है वो क्या होता है इंक्रीज करता है पाथ या इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते हैं। जो ओवर एस्टिमेटेड है बट है ना, जो एसपीटी नंबर है वो ओवर एस्टिमेटेड है बट व्हेन कन्फाइनिंग प्रेशर इज लो, अगर हायर कन्फाइनिंग प्रेशर है तब तो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा, लेकिन कन्फाइनिंग प्रेशर लेस है लूज सॉइल में या स्मॉलर डेप्थ पे है तो उस कंडीशन में एसपीटी वैल्यू जो है अंडर एस्टिमेटेड जो है हमारा होता है। देयरफॉर टू मैग्नीफाई एसपीटी नंबर ओवरवर्डन करेक्शन इज रिक्वायर्ड है ना, तो उस कंडीशन में ओवरवर्डन करेक्शन जो है क्या होता है रिक्वायर होता है। तो एन वन इज इक्वल टू एन नोट इंटू 350/70 प्लस सिग्मा बार, ये जो है हमारा होता है। एन वन जो है ओवर ऑब्जर्व वैल्यू होता है एसपीटी का, सिग्मा बार जो है ओवरवर्डन प्रेशर एट द टेस्ट लेवल जो कि सिग्मा बार 280 kN/m² से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। और एन वन जो है ये करेक्टेड वैल्यू होता है आफ्टर ओवरवर्डन करेक्शन, ओवरवर्डन करेक्शन के बाद जो वैल्यू करेक्टेड हुआ उसको जो है एन वन कहते हैं। उसके बाद आता है वाटर टेबल करेक्शन, वाटर टेबल करेक्शन जो है ये अप्लाई किया जाता है फाइन सैंड और सिल्ट में जब वाटर टेबल जो है प्रेजेंट होता है तब। दिस करेक्शन शैल बी अप्लाइड व्हेन वाटर टेबल इज एट और अबव द टेस्ट लेवल, टेस्ट लेवल पर या टेस्ट लेवल से ऊपर होता है तब जो है वाटर टेबल करेक्शन जो है यूज करते हैं। इफ़ द वाटर टेबल इज़ बिलो द टेस्ट लेवल देन करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस कंडीशन में करेक्शन नहीं जरूरत होगा, कब, जब वाटर टेबल जो है टेस्ट लेवल से नीचे रहे तब। ड्यू टू डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक एक्शंस के कारण जो हैमर होता है ना, डायनेमिक एक्शन ऑफ हैमर पोर प्रेशर रेजिस्टेंस इज डेवलप, पोर प्रेशर जो है डेवलप होता है जो कि काउज करता है एसपीटी नंबर को ओवर एस्टिमेट करने में। तो इसको जो है रिड्यूस करने के लिए एसपीटी वैल्यू को
हम लोग क्या करते हैं, वाटर टेबल करेक्शन जो है लगाते हैं। तो एन टू इज इक्वल टू 15 प्लस 1 बटा 2 गुने एन 1 माइनस 15, ये जो है हमारा होता है। यहाँ पे एन 1 जो है ग्रेटर होता है 15 से हमेशा। यहाँ पे एन 1 की बात किया जाए तो एन 1 जो है करेक्टेड वैल्यू होता है आफ्टर ओवरवर्डन प्रेशर, है ना। ओवरवर्डन प्रेशर के कारण से जो भी हमारा करेक्टेड वैल्यू आया था, है ना, उसको जो है एन 1 कहा जाता है। और एन 2 जो है फाइनल जो करेक्टेड वैल्यू हुआ आफ्टर वाटर टेबल करेक्शन, उसको जो है एन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो है समझ में आया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर टेस्ट प्लेट ऑफ 30 सेंटीमीटर सेटल्स 15 mm अंडर लोड 4 किलो न्यूटन इन सैंडी सॉइल, बाई हाउ मच विल अ फुटिंग ऑफ 2 मीटर गुने 2 मीटर सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन सेटलमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा बीपी जो है दिया गया है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर, बीएफ जो है दिया गया है 2 मीटर, एसपी जो है दिया गया 15 mm। तो यहाँ पे एसएफ बाई एसपी इज इक्वल टू बीएफ इनटू बीपी प्लस 0.5 बाई बीपी इनटू बीएफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और कैलकुलेट करेंगे तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग जो है वो हमारा आ जाएगा 15 × 1.73 का स्क्वायर, यानी 44.89 mm जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि वही तो हमारा बोल रहा है ना कि सेटलमेंट कितना होगा हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द अजम्पशंस ऑफ टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस। टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस जो है था उसका अजम्पशन जो आपको लिखना है। टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन के लिए। अजम्पशंस की बात किया जाए तो इसमें जो सॉइल्स होते हैं उसको होमोजिनिटी और आइसोट्रॉपिक अज्यूम किया गया। सॉइल को जो है इलास्टिक इक्विलिब्रियम में जो है वो अज्यूम किया गया। फिर फेलुअर सरफेस जो है वो वर्टिकल है, ये अज्यूम किया गया। सॉइल जो है कोहेजन लेस है और नेग्लिजिबल कोहेजन है, ये अज्यूम किया गया। प्योरली जो है फेल करता है बाई सीयर के कारण से, ये अज्यूम किए गए। फाउंडेशन जो है रिजिड होते हैं, है ना, और एट सर्टेन शेप में ये होता है, ये जो है फाउंडेशन के बारे में जो है अज्यूम किया गया। इसके बाद फाउंडेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाता है, ये अज्यूम किया गया। लोड जो अप्लाई किया जाता है वो धीरे धीरे और यूनिफॉर्म वे में जो है अप्लाई किए जाते हैं इंटायर बेस ऑफ फुटिंग पे, ये भी अज्यूम किए गए। इन्होंने ये भी अज्यूम किया गया कि नो टेंशन क्रैक जो है हमारा आएगा इन द सॉइल, दैट वुड रिड्यूस द सॉइल स्ट्रेंथ। ये सारी चीज़ें जो है क्या किया गया, अज्यूम किया गया किसके द्वारा, टर्जागी का जब एनालिसिस किया गया, टर्जागी साहब ने जब एनालिसिस किया बियरिंग कैपेसिटी के लिए, तब उन्होंने जो है अजम्पशन लिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन विद हेल्प ऑफ नेट स्केच, है ना, नेट स्केच का। तो यहाँ पे जो है फाउंडेशन जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर्स को और लोड को ट्रांसफ़र करता है बिल्डिंग टू द ग्राउंड विलो, है ना, ग्राउंड तक जो है, ग्राउंड के अंदर जो है बिल्डिंग का लोड जो है ट्रांसफ़र करता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात किया जाए तो सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन होते हैं, लेकिन इन्हीं सैलो और डीप फाउंडेशन को ही जो है सब क्लासिफाई किया जाता है फुटिंग के तौर पे, और कई सारे फुटिंग जो है हमारे होते हैं। सैलो फाउंडेशन जिसका विड्थ जो है ज़्यादा हो डेप्थ से तो उसको सैलो फाउंडेशन कहेंगे, और डीप फाउंडेशन जिसका डेप्थ ज़्यादा हो विड्थ से उसको डीप फाउंडेशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ फुटिंग की बात किया जाए तो सबसे पहला है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग को वॉल फुटिंग भी कहा जाता है। एक कंटिन्यूस स्ट्रिप ऑफ कंक्रीट डैट सर्व्स टू स्प्रेड द वेट ऑफ लोड कैरिंग वॉल अक्रॉस द एरिया ऑफ, है ना, जो भी एरिया होते हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है हमारा,
स्ट्रैप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रीप फुटिंग है इसमें क्या होता है, लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 5 times और विड्थ से ज़्यादा जो लेंथ होता है उसी को जो है स्ट्रीप फुटिंग या वॉल फुटिंग जो है कहा जाता है। बात किया जाए कंपोनेंट की, तो इस जो कंपोनेंट होता है ये सैलो फाउंडेशन का कंपोनेंट होता है, ये जो फिगर है ये आपका स्ट्रीप फुटिंग का फिगर है, ठीक। उसके बाद आता है आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग को पैड या स्प्रेड फुटिंग कहा जाता है। इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है सैलो फाउंडेशन में, ताकि जो कैरिंग जो कंसंट्रेटेड लोड है उसको स्प्रेड करके पूरा ले सके। इस तरीके का आइसोलेटेड फुटिंग होता है ना, ऊपर से लोड लगता है। राफ्ट या मैट फाउंडेशन, ये एक बिग स्लैब पे जो है बनाए जाने वाले फुटिंग होते हैं। ग्राउंड के अंदर क्या किया जाता है, एक पहले स्लैब बनाया जाता है, उस पे जो है फुटिंग को जो है क्या किया जाता है, फाउंडेशन को बनाया जाता है। जो राफ्ट फाउंडेशन होता है ये यूज किया जाता है सॉइल इज टू बीक द सपोर्ट इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअली सपोर्ट जो है जो फुटिंग में कमज़ोर है तो उस कंडीशन में एक स्लैब बना दिया जाता है, ताकि जो एरिया है वो बढ़ सके और उसको लोड को वो कैरी कर सके। ये जनरली जो है लार्ज बिल्डिंग जब बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं उस समय ये करते हैं। कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग के बारे में बात किया जाए तो जो कंबाइंड फुटिंग है ये दो या दो से अधिक फाउंडेशन को जब जोड़ा जाता है, क्लोज एक दूसरे को क्लोज रखा जाता है, ताकि वो कंबाइनली लोड को जो है कैरी कर सके, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। इसमें जो है फाउंडेशन का वॉल जो होता है मच टॉलर या लार्जर होता है देन अदर्स के कंपैरिजन में, तो इसको जो है कंबाइंड फुटिंग का यहाँ पे ये फिगर आपका जो है दिया गया है। ये जो है आपका ग्राउंड लेवल है और नीचे जो है दोनों को कंबाइन कर दिया है, दो फुटिंग को। उसके बाद आपका आता है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग जो है ये कंपोनेंट हमारा जो है होता है, ठीक है, फाउंडेशन का। ये जो है कंबाइंड फुटिंग का ही एक टाइप है, जो कि कंसिस्ट करता है दो या दो से अधिक कॉलम को जब जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है कंक्रीट बीम के साथ, तो उसको जो है कहा जाता है, दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड स्ट्रैप बीम। इसी को जो है स्ट्रैप बीम जो है कहा जाता है, ये जो है आपको समझना है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो। उसके बाद यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है कि हाउ आर पाइल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड मटेरियल। फंक्शन और मटेरियल के बेसिस पे पाइल को किस तरीके से जो है क्लासिफाई किए जाते हैं। तो डियर क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल MRS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको जो है मिल सके। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशंस मिलती है, हमें एक उत्साह जगता है हमारे अंदर, ताकि आप लोगों के लिए और बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। मैं अपने तरफ से बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेटर कंटेंट के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी बेटर क्वालिटी होंगे। आप लोगों के सपोर्ट के कारण से ही ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ग्रुप बहुत ज़रूरी है, और अगर बेटर ग्रुप रहेगा, आपका बेटर सपोर्ट रहेगा, तो ये आगे बहुत ज़रूर जाएगा, ठीक है। कई सारे लोग जो है कमेंट भी करते हैं, बट आपको मैं कमेंट करने नहीं कर रहा हूँ, बट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर वीडियो आपके लिए कुछ भी वैल्यूएबल आपकी ज़िंदगी में ऐड किया हो तब। तो क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, क्या पाइल को कैसे क्लासिफाई करेंगे फंक्शन और मटेरियल पे। तो फंक्शन पे बात किया जाए तो कॉम्पैक्शन पाइल आता है, इसका यूज जो है किया जाता है लूज सैंड में, ताकि बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके, सच एज इन सी शोर और रिवर बैंक पे जो है कंपैक्शन पाइल का यूज किया जाता है। टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल का यूज जो है एंकर करने के लिए किया जाता है स्ट्रक्चर्स को, ताकि जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसके द्वारा जो स्वेलिंग आ रहे हैं सॉइल में, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल में, उससे जो है बचा जा सके। उसके बाद आता है फेंडर पाइल्स। फेंडर पाइल्स जो है इसका भी जो है एंकर करने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स का, विच सब्जेक्टेड टू टाइडल वेव। टाइडल वेव के द्वारा जो
जो काउज किए जाते हैं जैसे विंड, सीएसमिक एक्टिविटीज़ और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द वाटर, तो वो जो है उसके लिए एंकर करने के लिए जो है फेंडर पाइल का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सीट पाइल। सीट पाइल को जो है अर्थ फील्स को वर्टिकल कट के दौरान अर्थ फील को जो है रिटेन करने के लिए, यानी फिर मान ली कि गड्ढा खने और हवा चला और हवा से सब मिट्टी भर गया फिर से गड्ढा में, तो क्या हो जाएगा, फिर से उसको जो है खुदाई करना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए ताकि वो जो मिट्टी हम लोग कट करके निकाले हैं वो जो है हमारा दोबारा गड्ढा में जो भी हम लोग होल किए हैं, जो भी फाउंडेशन के लिए डिप्स किए हैं उसमें दोबारा जो है ना भर जाए, इसलिए जो है हम लोग सीट पाइलिंग करते हैं। जो सीट पाइलिंग है वो इसका यूज़ जो है मिनिमम सीपेज प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए भी यूज किया जाता है, ताकि जो पाइपिंग फेल्यूअर होता है हमारा विलो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वो इसको अवॉइड किया जा सके। टाइप्स ऑफ पाइल की बात किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो टिम्बर, वुड पाइल्स, स्टील पाइल्स, कास्ट आयरन पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स और सैंड पाइल्स जो है हमारा होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है कि अ ग्रुप ऑफ 60 पाइल्स, 16 पाइल्स का एक ग्रुप है जो कि 50 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, इज अरेंज्ड विद अ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है 1.2 मीटर है, द पाइल्स आर 10 मीटर लॉन्ग एंड आर इम्बेडेड इन सॉफ्ट क्ले विद कोहेजन जो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बियरिंग रेजिस्टेंस जो है वो नेगलेक्ट कर रहे हैं फोर पाइल्स के लिए, एडहेशन फैक्टर जो है 0.6 दिया गया है, डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप क्या होगा वो जो है कैलकुलेट करना है। तो देखो नंबर ऑफ पाइल्स जो है वो आपका 16 है जिसको n से डिनोट करेंगे, s जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है हमारा तो वो 1.2 मीटर है, डायमीटर जो है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर है, l जो है यानी जो लॉन्ग है वो 10 मीटर है, c जो है कोहेजन जो है वो 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, अल्फा का यानी एडहेशन फैक्टर का जो वैल्यू है 0.6 है। तो b का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ पाइल्स दिए गए हैं जो कि m से या n से रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे m भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो b इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू एस प्लस डी इज इक्वल टू 16 माइनस 1 गुने 1.2 प्लस 5 यानी 18.5 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेट लोड कितना आ जाएगा, QEB प्लस QSF इज इक्वल टू 9CAB प्लस अल्फा C बार AS। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू बी स्क्वायर और AS इज इक्वल टू 4BL आ जाएगा। तो यहाँ पे QUG इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 30 इंटू 18 का 0.5 का स्क्वायर प्लस 30 गुने 0.6 गुने 4 गुने 18.5 गुने 10। तो यहाँ पे QUG आ जाएगा हमारा 10.57 किलो न्यूटन आएगा। अब इसको जो है बियरिंग का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें जो है एरिया से क्या कर देंगे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी ये वैल्यू आया इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया क्या, पूरा पाइल ग्रुप का एक कंबाइंड एरिया निकालेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे इसको जो है अगर आप डिवाइड कर देंगे 0.5 को डिवाइड कर देंगे 18.5 का स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर बन जाएगा तो इस यहाँ पे जो है 300 के आसपास है ना, अप्रॉक्सीमेटली 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या आ जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी जो है आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट बताने हैं किसके, न्यूमेटिक कैजन्स के है ना, विद नेट स्केच जो है, और इनुमरेट करना है जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं न्यूमेटिक कैजन्स के वो। तो न्यूमेटिक कैजन्स का ये जो है आपका यहाँ पे फिगर है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो ये इसका जो है फिगर आपका जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एयर लॉक होते हैं, ये आपका जो है ये जो है ये आपका कंप्रेस्ड एयर पाइप है, यहाँ पे जो है कंप्रेस्ड एयर दिए जाते हैं, इसको जो है विंच ड्रम कहा जाता है, यहाँ पे भी जो है एयर लॉक होते हैं, यहाँ पे मैन लॉक होते हैं, ये जो है शाफ्ट है विद लैडर और लिफ्ट से
लगा हुआ है। यहाँ पे मान लो कि ग्राउंड टेबल पे मतलब पानी में ही लगाते हैं ना, तो पानी में जब लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है, वाटर यानी प्रेजेंट है। तो कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है कैजन चैम्बर। कैजन चैम्बर जो है हमारा स्टील का बना होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अ कैजन चैम्बर इज़ अ लार्ज एयर टाइट कंटेनर डैट इज़ यूज टू क्रिएट वर्क स्पेस, काम करने के लिए जो है जगह दिया जाए। और ये जो पॉइंट है इसको जो है मग बकेट कहा जाता है, और यहाँ पे जो है काम किए जाते हैं, काम करने के लिए जो है स्पेस दे। अंडर वाटर इट इज़ टाइपिकली मेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट या फिर आपका स्टील का जो है ये क्या होता है बना होता है। कंप्रेस्ड एयर जो होता है ये जो है यूज़ किए जाते हैं, प्रेशराइज्ड द कैजन चैम्बर और क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट फॉर वर्कर्स, वर्कर के लिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि जो सॉइल का एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो अच्छे से एक्सकैवेट किया जाए और फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाए। जो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है कंप्रेसर को, एयर लॉक्स को और भी कई सारे इक्विपमेंट होते हैं ताकि एयर प्रेशर को कैजन चैम्बर में मेंटेन किया जा सके, इसलिए जो है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम को यूज किए जाते हैं। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए न्यूमेटिक कैजन्स का, तो फास्टर कंस्ट्रक्शन होता है, वर्क सेफ्टी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को ताकि जो रिस्क है एक्सीडेंट का वाटर के कारण से वो हमारा कम हो सके, है ना। और वर्किंग एरिया जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमारा कई सारे अलग अलग सॉइल्स में और अलग अलग डेप्थ में जो है इसका यूज किए जाते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो भाई ज़्यादा महंगा होता है, है ना, इंस्टॉल करना, और ऑपरेट करने वाले जो वर्कर्स होते हैं एयर कंप्रेस्ड को, कंप्रेस्ड एयर को, उनको जो है हेल्थ रिस्क जैसे डिकम्पोजिशन सिकनेसेस जो है देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेस्ड एयर इन्वायरमेंट के अंदर जो है काम कर रहे हैं जिसके कारण से। साथ ही साथ ये निगेटिव इम्पैक्ट जो है मैरीन इन्वायरमेंट पे भी जो है करता है, जैसे मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब करना और सेडिमेंट करना ये काम है। तो ये दो जो है डिसएडवांटेज यहाँ पे जो है इसके होते हैं। उसके बाद बात किया जाए अगली क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चंस है कि फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है और डैम्पिंग इफेक्ट क्या है, इसको जो है डिफाइन करना है। एग्ज़ाम में से जो है तीन दिया है, लेकिन इस तीन में से कोई दो को ही जो है आपको डिफाइन करने होते हैं, ठीक है, या आपके एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि दो को डिफाइन करना है या तीन को डिफाइन करना है। बात किया जाए फ्रीक्वेंसी रेशियो को, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है डायनेमिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स होता है जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और इसका कंपेयर किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डायनेमिक लोड टू द नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होता है फाउंडेशन सिस्टम का, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डायनेमिक लोड के कारण से जो फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं दोनों को क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है, उसी को जो है कहा जाता है फ्रीक्वेंसी रेशियो। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा पैरामीटर्स है फाउंडेशन इंजीनियरिंग के लिए, एज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल फॉर रेजोनेंस विच कैन लीड द एक्सेस वाइब्रेशन एंड डैमेज को जो लीड करता है उसको जो है डिटरमाइन करने के लिए जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये फाउंडेशन सिस्टम का जो है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है एट विच इट वाइब्रेट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड, जब डायनेमिक लोड लगाते हैं और वाइब्रेशन देखने को मिलता है तो उसी को जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एट विच सिस्टम वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, तो उसी को जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंड कैन लीड द सिग्निफिकेंट डैमेज, और ये सिग्निफिकेंट डैमेज या फेलवर होने लगता है इफ़ इट इज़ कोइंसाइड विद फ्रीक्वेंसी एट द डायनेमिक लोड, डायनेमिक लोड के फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच कर जाता है तब जो है हमारा फाउंडेशन सिस्टम क्या होता है डैमेज होने के काम करता है। डैम्पिंग इफेक्ट के बारे में बात किया जाए तो डैम्पिंग इफेक्ट जो है एक तरीके का मेजरमेंट आपका जो है ठीक है, डैम्पिंग इफेक्ट जो है ये एक तरीके का मेजरमेंट है
of the ability of foundation system to dissipate energy during vibration. It is important parameters in foundation engineering because it determines the rate at which foundation system returns its stable position after being subjected to a dynamic load. जब dynamic load लगाएं और जो जिस rate से वो वापस जा रहा है उसी को जो है damping effect कहा जाता है. जो डैम्पिंग इफेक्ट होता है वो रिड्यूस करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को. जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है उसको जो है क्या करता है, कम करता है और रेजोनेंस को प्रिवेंट करता है. देयरफॉर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर डैमेज और फेल्यूअर, है ना, डैमेज और फेल्यूअर के लिए जो भी पोटेंशियल होता है उसको रिड्यूस करता है. जो डैम्पिंग इफेक्ट होता है वो अचीव किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ वेरियस materials or techniques including the use of damping layers, turned mass dampers, viscoelastic materials, ये सभी जो है use करके क्या किया जाता है, damping effect को क्या किया जाता है, achieve किए जाते हैं. I hope कि आज का session आपको जो है समझ में आया हो. अगर कोई doubts आता है तो chat box में आप हमें ज़रूर बताएं. और lastly dear, आपको एक बार मैं फिर से बोल दूँ, अगर आप हमारे चैनल MRS स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए. अगर आपके ज़िंदगी में, आपके पल, आपके जीवन के किसी पल में अगर हमारे वीडियोस आपको जो है सहयोग दिया हो, किसी भी पार्ट में आपको जो है थोड़ी बहुत भी अगर सहयोग किया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके. थैंक यू सो मच.